आज से 100 साल बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये आज हम लोगों को पता है। नासा को ये नहीं पता था। नासा को भी भारत ने ये बताया है। आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि नासा 100 साल पहले नासा नहीं थी। वैज्ञानिक 100 साल पहले, 125 साल पहले इस धरती पर वैज्ञानिकों का कोई आविष्कार नहीं था। सामान्य बैलगाड़ी तो थी, कुआ तो थे, बावड़ियां तो थी, ये आविष्कार थे। मूसल था, चक्की थी, ये भी एक आविष्कार है। तो ये आविष्कार तो थे, ये तो कुदाली थी, कुल्हाड़ी थी, फावड़ा था, तगाड़ी थी, ये भी एक आविष्कार है व्यवस्था के लिए। ये आविष्कार तो थे, पर इस प्रकार की जो सैटेलाइट इत्यादि की जो आज हम बातें करते या सुनते हैं, ये आज से 100 साल पहले कुछ नहीं था। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, नहीं था ना। नासा का गठन कब हुआ, नासा कब आई? अभी नासा के गठन को, नासा 100 साल की नहीं हुई अभी, 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। अब सोचिए 1950 और आज यदि 2022 भी कहें तो लगभग 70-72 वर्ष हो गए। क्यों जी, यही तो हुआ गणित। और मानो तो 80 साल हो गए जी, चलो ले लो। और हम तो 100 साल का कह रहे हैं, चलो 100 साल ले लो। 100 साल पहले नहीं था। नासा ने भारत के लोगों से पूछा, नासा हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है इस बात को जानने के लिए कि किस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तुम करोड़ों खर्च करके बताते हो और भारत में 5-10 रुपए का पंचांग खरीद लो, उसमें ही पता चल जाएगा कि ये पंचांग में ये लिखा है इतने बजे सूर्य ग्रहण होगा। हमारे भारत के वैज्ञानिक तब से एक्टिव हैं जब नासा का जन्म नहीं हुआ था। हमारे यहां पंचांग तो बहुत अनादि है। क्यों जी, पंचांग हमारे पुराने ऋषि मुनि बता देते थे कि किस तारीख को किस बज कितने बज के। आज आप पंचांग उठा लीजिए और पंचांग उठा के देख लीजिए कि आज सूर्य उदय कितने बजे होंगे और अस्त कब होंगे और आने वाले 50 साल बाद सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी दुनिया को भारत ने दी है, इसलिए सारा साइंस, सारा विज्ञान हमारे वेद और पुराणों में भरा पड़ा है। इंग्लिश के हिसाब से महीना कितने होते हैं, 12। ये 12 महीने का आइडिया उन्हें कहां से आया भाई? 12 महीने तो हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। और एक बात बताऊं, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग तारीख से नहीं चलते, तिथि से चलते हैं। इंग्लिश के लोगों का फरवरी 28 दिन का होता है। हाँ या ना, इंग्लिश में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। लेकिन हमारे हिंदुओं में कोई भी महीना 28 दिन का नहीं होता। हमारे यहां 15 दिन में अमावस्या होती है और पूरे 30 दिन में पूर्णिमा होती है। जब पूर्णिमा होती है तब महीना खत्म होता है। क्यों जी, हमारे यहां कोई महीना 31 दिन का नहीं है और कोई महीना 29 दिन का नहीं है और कोई महीना 28 दिन का नहीं है। हमारे यहां प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक कितना दिन हुआ, हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा आती है या नहीं? तो जब पूर्णिमा होती है तब महीने का अंत माना जाता है या नहीं? हाँ या ना। तो हमारे यहां सारे महीने 30 दिन के होते हैं और हमारे यहां इसलिए 3 साल में 1 महीना बढ़ता है।
जैसे हम लोग पुरुषोत्तम माह कहते हैं, मतलब हमारे यहां जो व्यवस्था बनी है, गणना है महीने की, वो बिल्कुल साइंटिफिक है। हमारे यहां सूर्य जिस राशि में जाता है वो महीना चालू हो जाता, ये गणित है हमारे यहां की। आज भी आप देख लीजिएगा, 25 दिसंबर आप लोग कहते हैं नया साल 1 जनवरी को आता है, ये एक साल नया साल 1 जनवरी को आप लोग मनाते हैं इंग्लिश के हिसाब से, जबकि इस नए साल में कुछ भी नया नहीं है। ये लोग इंग्लिश वाले लोग ये साइंस को ठीक से समझे नहीं या जाने नहीं, पता नहीं कितनी अक्कल बुद्धि है, राम जाने। हमारे नया साल कब होता है? हमारा नया साल चैत्र का महीना प्रतिपदा तिथि, जब नवरात्रि का पहला दिन होता है, उसे हम लोग नया वर्ष मनाते हैं। वो नया साल संबत बदलता है उस दिन, और तो और उसी दिन किसानों के यहाँ नई नई फसल होती है। अभी आपने देखा होगा सारे पेड़ों के पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं, इसी महीने को पतझड़ कहते हैं। पतझड़ सावन वसंत बहार एक वर्ष के मौसम चार है ना, इसको पतझड़ कहते हैं। और आने दीजिए, अभी और पूरे पत्ते झड़ जाएंगे और नए साल में आप देखेंगे कि पेड़ों पर नए नए पल्लव आ गए, पत्ते आ गए। क्यों जी, सही है? तो पेड़ों में नए पत्ते नए साल में आते हैं। किसानों की नई गेहूं कब कटेगी? नए साल में कटती है। नई फसल किसानों के घर नए साल में आती है। यहां तक कि सरकार का लेखा जोखा भी मार्च के महीने में ही पूरा होता है। साल भी सरकार के हिसाब से नई लेखा जोखा मार्च से खत्म करके 1 अप्रैल से चालू करते हैं। मतलब हमारा नया साल सब कुछ नया वहां से होता है। अब बताइए 1 जनवरी को क्या नया होता है? प्रकृति की एक चीज बताइए जो नई दिखती हो 1 जनवरी को, जबकि नए साल में नया मौसम भी आता है। अभी देखो सर्दी जा रही है, अब ये फागुन का महीना चल रहा है, होली होली मनाने के बाद फिर एक नयापन आ जाएगा, है ना, गर्मी की तैयारियां हो जाएंगी, है ना। तो ये नयापन मौसम भी नया मौसम आ गया, नई ऋतु आ गई, तो नया महीना आया। हमारे यहाँ नए साल में सब नया नया है, जबकि इंग्लिश के हिसाब से कुछ भी नया नहीं है। बस उन लोगों का मानना है नया, मान लिया। हमारा जो वेद पुराण शास्त्र हैं बिल्कुल साइंटिफिक हैं।